सौरभ भाई कौन है? अच्छा सर, आयुषी इज ट्राइंग टू ज्वाइन, प्लीज अलाव हर ना। उसका किट मेल आईडी काम नहीं कर रहा है, पर्सनल मेल आईडी से ज्वाइन कर रही है। सर फोन पे बात कर रहे हैं। सर बात कर रहे हैं भाई, पहले दिखाने का। सर बात कर रहे हैं, पूरा बिजी है, बिजी है सर, देखने रहे हैं इसको, बात कर रहे हैं सर। तो सर पहले एक साथ क्रिकेट थे ना, तो फोन हाथ में नहीं। जो करेक्ट क्या
सर क्या हो रहा है ये आयुषी हर साल क्यों एडमिशन लगा है सर वो पर्सनल आईडी से ट्रैक कर रही है उसका किट आईडी काम नहीं कर रहा मेल आईडी काम नहीं कर रहा अभी तो वो पर्सनल आईडी से आ रही है सर ठीक है आप थोड़ा सर्टिफाई कर देने से मैं कर दूंगा यस सर उसने ग्रुप में लिखा है सर फिजिक्स ग्रुप में लिखती है इधर एक कॉल कर दिया था तुम्हें इसीलिए यस सर आज एक असाइनमेंट हम अपलोड किए हैं उसको करके आप लोग उसी में अपलोड करो उसका पीडीएफ ये मिडसेम के लिए तैयारी शुरू हो गया ये जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को डेरिवेशन में डायरेक्टली मिलेगा और उसके साथ जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है चांसेस ज्यादा है मेरा ये समझ है कि जो मैं समझाया हूँ उसको अगर आप अच्छे से समझे हो और क्वेश्चन को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करके आप कर लेते हो तो मिडसेम में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो आई अंडरस्टैंड दिस दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस आपको अगर किसी प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगता है या कुछ तो यू कैन आस्क क्लियर यस सर Who told it is resolved group में सर आयुषी हर्षल सर क्या हो रहा है आयुषी सर वो मेरा किट मेल आईडी काम नहीं कर रहा था अब ठीक हो गया क्यों नहीं कर रहा था पता नहीं सर कुछ हुआ होगा सर वो होता है सर बीच बीच में किट मेल आईडी काम नहीं सुना मैं एक बात बता देता हूँ कुछ किट का बच्चे लोग मैं नहीं बोल रहा हूँ आयुषी तुम की है ये मत गलत मतलब मत लिखाना बेटा लेकिन ये खाली आपका जानकारी के लिए तीन चीज में जानकारी के दो चीज नहीं दो चीज में से बाकी एक चीज तुमको जरूरत नहीं है एक ही चीज कुछ बच्चे लोग अपना पैर पे कुराड़ी मार रहे अपना पैर पे कुराड़ी मारना मतलब क्या क्या रे बोलो अपना पैर पे कुराड़ी मारना मतलब क्या होता है जानबूझ के गलती करना खुद से अपने आप को नुकसान करना नुकसान करना कैसे मैं बता रहा हूं ये कीट का जो इतना फास्ट ग्रो कर रहा है और कीट में जो पैकेजेस भी इतना जल्दी बहुत बढ़ गया है और पहले क्या होता था ओनली बीट्स पिलानी ही था जहां पे कंपनी लोग आते थे बोलते थे कि आप लोग हम आपका स्टूडेंट्स को हमारे पास मिंटन के लिए भेजिए 6 महीना या 1 साल और हम लोग आप लोगों को उसके बदले में पर महीना बच्चे लोगों को स्टाइपेंड देंगे एक्चुअली ये जानते हो या नहीं मेरे को पता नहीं वो क्या होता है कि बिट्स पिलानी का और बिट्स का ग्रुप का एक है कि आप फोर्थ ईयर में एक सेमिस्टर कोई एक कंपनी में अलॉट हो जाओगे वो कंपनी वाले आके ही बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप लोगों का बच्चे लोगों को हम लोग इंटर्न पे लेंगे और पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच वाला होते हैं उनको जो लेते हैं वो करीब करीब 25,000 से शुरू करके 20,000 से शुरू करके 50,000 तक भी पर महीना स्टाइपेंड देते हैं 6 महीने के लिए क्योंकि मेरा बेटा पढ़ता था मैं जानता हूं उसको भी इस तरह मिला था पर महीना उसको 40,000 मिल रहा था तो एक सेमिस्टर का पूरा फी वहां से निकल गया था मेरे को देना नहीं पड़ा था ये चीज लास्ट 2 इयर्स हो गया किट में होने वाला हो रहा है कुछ कंपनी हाई रेडियस वगैरह कुछ है जो कि यहाँ पे आके ऑफिस मांगे हैं यहाँ पे इंटर्न करा रहे हैं और उसके बदले में बच्चे लोगों को फोर्थ ईयर में स्टाइपेंड भी दे रहे हैं ज्यादा नहीं दे रहे हैं 14,000 कुछ ऐसा किसी किसी को 20,000 कोई कोई कंपनी 25-30,000 तक भी देता है अगर अच्छा स्टूडेंट आता है तो ये सब जो ग्रोथ किट का इतना फास्ट हो रहा है इसीलिए इसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी का नेशनल लेवल के बाहर स्टेट बाहर भी स्टेट अंदर भी वो लोग क्या करते हैं पहले किट का कुछ सीनियर बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं जो बच्चे सक्सेस नहीं हुए हैं मतलब जैसे उन लोगों का बैक पेपर है पढ़े नहीं लेकिन उन लोगों का भी उम्मीद है कि हमको भी 50 लाख का या 30 लाख का पैकेज मिल जाएगा अरे तुम जानते कुछ हो तब जाके कंपनी तुमको लेगा ना तो इसमें हुआ क्या वो बच्चे लोगों को ट्रैप करके उन लोगों से वो सोशल मीडिया में एक आंटी किट चलाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत गंदा और गलत बात है क्योंकि उसी में तुम्हारा अपने पैर पे कुराड़ी मारना होता है अपना यूनिवर्सिटी को जबकि तुम कुछ सक्सेसफुल होने के बाद तुम किट से कुछ सीखे सक्सेस हुए फिर उसके बाद किट के लिए तुम एक एसेट बन गए एलुमिनी बन गए
ये बहुत अच्छा होता, तुम वो नहीं करके सुविधा क्या मिल सकता है, अभी गलती कर लिया उस गलती को कैसे सुधारेंगे, किट में जाके ट्यूटर मेंटर को बोल के टीचर लोगों का हेल्प लेने की बजाय अगर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन तुम ये गलती करते हो तो इसका जिंदगी भर था। और वो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, वो तो सीनियर बच्चे लोग हैं, वो लोग अपना, क्योंकि उन लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उस तरह का वो लोग पकड़ में आ गए अपना आईडी वगैरह से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर बच्चे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं अपना जान वजन, मैंने हम लोग आपको हेल्प करेंगे कैंपस प्लेसमेंट में कैसे इजीली होगा वो बता देंगे, कहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा हम दे देंगे, मैं ऐसा किया हूँ वैसा किया हूँ, गलत बात बल्कि कुछ फर्स्ट ईयर बच्चे लोगों को मिसलीड करते हैं। और उनका वो लोग फर्स्ट ईयर बच्चे लोग वो कुछ फेक आईडी क्रिएट करके वहां पे इंस्टाग्राम में हो या सोशल मीडिया में हो, बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस काम में भी होते हैं हर साल में, ये 2-3 साल 4 साल हो गया हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए हमारा जो साइबर सेल है, जो आईसीटी सेक्शन है, वो इन कोऑर्डिनेशन विथ गूगल, इन कोऑर्डिनेशन विथ अदर थिंग्स, क्योंकि अब देखो सभी को गूगल का किट मेल आईडी मिला है, हम लोगों को मिला है, क्योंकि हमारा किट का बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन, आप जानते हो आपका किट मेल आईडी में आप 1 TB मेमोरी यूज कर सकते हो, 1 TB, जबकि नॉर्मल मेल आईडी में 15 GB ओनली। यस सर। तो इसलिए आप सोच रहे होंगे किस टाइप का मनी किट को देना पड़ रहा होगा गूगल गूगल वगैरह को, तो उनके बीच में आईसीटी का बच में वो अच्छा रिलेशन है, तो वो लोग वो सब साइबर वाले कौन सा लोग ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन सा कहाँ से आईडी आता है, सब कुछ याहू गूगल ये सब करके वो लोग बहुत ही जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत दुख लगता है कि कुछ बच्चे अनजाने में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ट्रैप हो गए, सब चीज पकड़ में आता है, फिर पुलिस केस हो जाता है, बाकी चीज हो जाता है, तो उसी टाइम में इस वजह से इमीडिएटली कुछ बच्चे लोगों का किट आईडी को सीज कर दिया जाता है और उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया जाता है, उसको पुलिस में दे दिया जाता है, और जब भी वो फोर्थ ईयर में आएगा या कहीं दूसरे जगह पे सर्टिफिकेट लेके जाके पढ़ने की कोशिश करेगा तो वहां पे इसको मेंशन करके उसको टीसी दिया जाता है, तो जहां पे भी वो कैंपस में बैठेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जाएगा वो मैसेज में ये इंक्लूड हो जाएगा कि दिस वाज नॉट माने ही वाज इन्वॉल्वड एक्टिवली इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ये बहुत दुख की बात है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ बच्चे लोग, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है हो सकता है कि इमीडिएटली लोग सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन शेयर करना बंद करो, ज्यादातर प्रॉब्लम बंद मत करो, चाहे ज्यादातर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा मेंटर के थ्रू या यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट। बच्चा का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एडमिशन रिलेटेड इशू, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आईसीटी प्रॉब्लम, लैपटॉप वगैरह का, या साफ पोर्टल, और क्या प्रॉब्लम बच्चे का होगा अगर वो पे कर रहा है तो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम्हारा ट्यूटर मेंटर नहीं सुना या ऐसा कुछ कोऑपरेशन नहीं मिला, यू डायरेक्टली मूव टू आईसीटी सेल, यू डायरेक्टली मूव टू एडमिशन सेक्शन, यू राइट द मेल डायरेक्टली कि मेरे को तुम वहां पे क्लियरली लिखना कि मैं अप्रोच किया था ट्यूटर मेंटर को, ट्यूटर मेंटर इज नॉट हेल्पिंग मी, नॉट रेस्पॉन्डिंग मी, सो आई मे काइंडली बी हेल्प इन दिस रिगार्ड, डायरेक्टली डायरेक्टर कंप्यूटर साइंस को लिखो, अगर वहां से इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स नहीं आता है तो बोलना। जब हम लोग तुम लोगों को इतना सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्योंकि आज का आयुषी का वो मेल ब्लॉक बात वाला बात आया तो मेरे को वो याद आ गया बोल के मैं उसको आपको बताया, इसमें आयुषी का वो हुआ है वो नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्चुअली उस बात को याद आ गया तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो सब लोगों को बता देते हैं, शायद बच्चे लोगों को पता होगा या नहीं होगा। तो कोई भी सोशल मीडिया में आप कुछ भी पोस्ट करते हो, आप अलर्ट रहना कि किट का बहुत सारे आईसीटी सेल का लोग हैं और स्कैनर है जहां पे हर चीज को किट रिलेटेड, मतलब वो कंटिन्यूस सर्च पे है, कहीं पे भी किट रिलेटेड कोई भी मतलब स्कैन में आ जाता है तो उसको देखने वाले या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको स्कैन करने वाले लोग हैं इधर, और उसके लिए एक डिपोटेड डिपार्टमेंट भी है, तो ये सब चीज को देखना। और उसके बाद आप अपना घर को गाली दोगे, अपना पापा को गाली दोगे, ये तो बहुत गलत बात है।
ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको सही दिशा में लीड किया। जी सर, थैंक यू। यस सर। गलती से भी ना किसी का बहकाव में फर्स्ट ईयर में मत आना, क्योंकि सेकेंड ईयर आते आते तुमको बहुत सारे चीज अपने आप समझ में आ जाएगा, तब तक आप अलर्ट हो जाओगे। फर्स्ट ईयर में कुछ भी कंफ्यूजन है ना, यू आस्क टू द मेंटर। धन्यवाद, अगर मेंटर नहीं सुन रहा है तो यू आस्क मी, मैं उस मेंटर को बुला के बोलूंगा व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू द चिल्ड्रन। लेकिन जो कल्चर है, ज्यादातर मेंटर 90% मेंटर तो सुनेंगे ही। समृद्धि यस सर। सत्यव्रत प्रेजेंट सर। सौरभ प्रेजेंट सर। सायक प्रेजेंट सर। सायन सायन प्रेजेंट सर। शिवम प्रेजेंट सर। शिवम प्रेजेंट सर। सिमरन प्रेजेंट सर। सौभाग्य प्रेजेंट सर। सुधांशु प्रेजेंट सर। गीता प्रेजेंट सर। उत्कर्ष उत्कर्ष तो अभी था सर। प्रेजेंट प्रेजेंट सर, आप मेरा नाम स्किप कर दिए। सुप्रिया प्रेजेंट। अनु सुप्रिया तो है, मैं जानता हूँ, क्यों बुलाऊंगा। ओके सर, ठीक है। सपना दी प्रेजेंट सर। वैष्णवी प्रेजेंट सर। विनीता विनीता रंजन ऑप्शन डाल दूं। सत्यव्रत ऑप्शन डाल दूं क्या सर? वो प्रेजेंट है सर, उसका माइक ऑन है, शायद ग्लिच हो गया। इतना टाइम चुपचाप बैठा है, तू बोलना चाहिए सर। मैं देखा नहीं था सर। सर ग्लिच है उसका माइक। ग्लिच माइक ऑन है सर, बता देना नहीं तो फिर आटा ऑप्शन हो जाएगा। यस सर, अभी देखा सर। यस सर। अमीश प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट सर। अंकित सेनापति प्रेजेंट सर। अनुराग प्रेजेंट सर। अनुष्का प्रेजेंट सर। अमले प्रेजेंट सर। अपा अर्पी प्रेजेंट सर। हरियन यस सर। आशीष प्रेजेंट सर। आशुतोष प्रेजेंट सर। आयुषी तो है। विभु कल्याणी प्रेजेंट सर। चमन प्रेजेंट सर। प्रीतिश प्रेजेंट सर। है प्रीतिश मोवल यस सर। है सर। चेतना प्रेजेंट सर। अभी प्रेजेंट सर। दुबे जी प्रेजेंट सर। हितेश हितेश प्रियदर्शी लॉन्च प्रेजेंट है सर। माइक ऑन है। इति प्रेजेंट। कार्तिका प्रेजेंट सर। रोशु प्रेजेंट सर। नाल प्रेजेंट सर। नील प्रेजेंट सर। पल्लवी प्रेजेंट सर। प्रत्युष प्रेजेंट सर। प्रेमचंद्र प्रेजेंट सर। प्रियम प्रेजेंट सर। सीएस प्रियस प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट ना। रंजय प्रेजेंट सर। रविराज प्रेजेंट सर। ऋषभ प्रेजेंट सर। ऋषभ प्रसाद प्रेजेंट सर। रितिका सिंह प्रेजेंट सर। समुद्र नील प्रेजेंट सर। समुद्र नील प्रेजेंट है सर, बोला उसने। ओके। सर्वजीत प्रेजेंट सर। सात्विक प्रेजेंट सर। सत्यम प्रेजेंट सर। शशांक शशांक प्रेजेंट सर। साइनी प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट सर। शशि प्रेजेंट सर। शुभम प्रेजेंट सर। सुधांत प्रेजेंट सर। सोहम प्रेजेंट सर। सोमेंदु सौरीन प्रेजेंट सर। शुभम दास शुभ्रा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी या शुभ्रा प्रेजेंट सर। प्रसाद प्रेजेंट सर। प्रतिम प्रेजेंट सर। रचिता प्रेजेंट सर। रचिता तू ट्रेन से उतर गई? यस सर। तू ट्रेन से उतर गई? यस सर। अच्छा
Sushri. Present, sir. Priyas. Present, sir. Harish. Present, sir. Uttal. Present, sir. Kesh. Present, sir. Ritakar. Present, sir. It's Ritankar. Present, sir. Aman. Present, sir. Hey, Dipanyan. Present, sir. Abhijit. Present, sir. Adarsh. Present, sir. Akash. Present, sir. Akash Nakhariya. Hey. Yes, sir. Hey, sir. Present, bola usne. Anant. Present, sir. Ananya Choudhury. Present, sir. Ananya Singh. Present, sir. Ankit Saran. Present, sir. Anika. Present, sir. Arnav. Present, sir. Ariyat. Present, sir. Aryaman. Present, sir. Prakhar. Present, sir. Aryan. Present, sir. Ashish. Present, sir. Vaishnavi. Vaishnavi, second Vaishnavi. Hey, ya nahi hai? Nahi hai, sir. Bhavya. Present, sir. और एक सैटरडे का अटेंडेंस भी नहीं डाले हैं, वो तो उस दिन रोल कॉल कर दिए थे। yes, कहां गया वो पेपर? हाँ ये है, तो उसको भी अभी डाल देते हैं। सर आपने तो एब्सेंटीज मार्क कर दिया था सर पेपर में। नहीं उस दिन नहीं था तो मतलब आया नहीं था ये मैं। ये सर मतलब आपने पेपर में मार्क किया था? हाँ पेपर में मार्क कर दिया था। सैटरडे सैटरडे वाला ठीक है। सैटरडे में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे तो इन लोगों को मैं एब्सेंट डाल देता हूं। 7465 एब्सेंट था। विनीता विनीता 770। अंकित सिन्हा एब्सेंट था 797, 799, तो कैसे यहाँ पे एब्सेंट आया मेरे लिस्ट में? सो मैंने बोला भी था क्या रे सत्यव्रत सर आपने तो उस दिन सर लिखा था सर पेपर में जो लोग मतलब हाँ तो इसी हिसाब से 802 तो नोटेड है 804 को काटे हैं 802 जो है वो नोटेड है 806 यस सर निर्जन तुम भी एब्सेंट है सर मैं प्रेजेंट था मैं सर मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था हाँ सर हाँ सर सर मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था क्या रे सत्यव्रत सर वाजिद रितांकर 59 भी ऑप्शन था अनंत गुप्ता 69 भी ऑप्शन था आर्यमान एब्सेंट मत रहना क्लास में अगर क्लास में बोरिंग आ रहा है तो आप हमको बोलना कि क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है खुल के बोलना मैं कभी नेगेटिव फील नहीं करूंगा उसको रादर आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर द तो शुरू कर दें इक्वेशन ऑफ द वेव से
यस सर। आप लोगों को दिख रहा है तो व्हाइट बोर्ड? हाँ सर दिख रहा है। कुछ फंडामेंटल बातें केयरफुली उसको समझना। लास्ट क्लास में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में जाने वाले वेव की इक्वेशन लिखे थे। वी अस्यूम द वेव टू बी प्रोपागेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। वी अस्यूम एट जेड इज इक्वल टू जीरो at t equal to 0, edge of oscillation 0 था। So at z is equal to 0, at t equal to t, अगर angular frequency omega है, amplitude a है, तो phase हुआ omega t। तो यहां का oscillation के लिए equation of oscillation at z equal to 0, अगर जो क्वांटिटी ऑसिलेट कर रहा है उसको हम साई लेंगे तो दैट बिकेम एसआई ओमेगा टी। इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट्स? नो सर। ओके, नाउ वी वेंट टू द पॉइंट व्हिच इज जेड इज इक्वल टू जेड। The wavelength of the wave is lambda. So the wave number k is equal to 2 pi by lambda. In the direction of the wave, k at the same instant, in the direction of the wave, k decreases at rate k. So at z is equal to z, yahan pe at t is equal to t, same t time पे phase का जो value होगा omega t जो कि phase z equal to zero पे है वहां से phase z amount का कम होगा क्योंकि phase distance के साथ k rate में घटता। क्या इस बात को समझ में आया? Yes sir। Same equation of wave z equal to z पे t equal to t पे psi at z at t, ये जो था ये कहां पे था? at z at z is equal to 0 at t is equal to t, ये इक्वेशन था z equal to 0 पे। लेकिन ये कहां पे? z equal to z पे, और amplitude same है क्योंकि हम लोग assume करते हैं energy transfer equal rate पे होता है और फेज कितना है? सो दिस इक्वेशन गेव अस द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन एट द पॉइंट जेड एट एन इंस्टेंट टी। नाउ if we are interested to know the state of oscillator plus the oscillation at some other point, for that z will have a different value at some other time, for that time will have a different value. So at separate z, at separate t, what will be the equation? This tells that omega t minus kz dash a sine psi at z dash at t dash. So what is marked? This is the equation that can give me the state of oscillation at any point here, at any instant, कोई भी point में, कोई भी instant में state of oscillation इसी equation से आ जाएगा। जिस point में state of oscillation चाहिए उस point का जब value put करो, जिस time में state of oscillation चाहिए उस time का वैल्यू आप पुट करो। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको जेड पॉइंट का टी इंस्टेंट का ऑसिलेशन डिस्क्राइब करने वाला इक्वेशन नहीं बोलते, इक्वेशन ऑफ द वेव बोला जाता है।
क्यों? In case of a wave, the oscillation is taking place at all points in a region, and we need an equation that can give us the oscillation state at any instant at any position, and this can be done. But this is the case when you are dealing with one-dimensional wave. We call this quantity omega t minus kz as phase of oscillation. Instead of oscillation, we say wave at z at t. देखो ये है क्वांटिटी का वैल्यू जो ऑसिलेट करना है जेड जगह पे टी टाइम पे, और ये है फेज का वैल्यू जेड जगह पे टी टाइम पे. सेम जगह पे फेज जानना है ये, सेम जगह पे जो क्वांटिटी ऑसिलेट करना है इसको जानना है तो फाइन. नाउ यू सी यहाँ पे एक बात नोट करो. सोचो मैं टी को सेम रखा, ये वो लाइन है जिस लाइन में वो जा रहा है, ठीक है. यहां का फेज टी टाइम है और यहां का फेज टी टाइम है, ये दोनों अलग होगा. क्यों? क्योंकि ये अगर जेड इक्वल टू जीरो है, ये अगर जेड इक्वल टू जेड वन है, ये अगर जेड इक्वल टू जेड टू है, तो टी टाइम पे यहां का फेज जानने के लिए जेड की जगह पे जेड वन को करना पड़ेगा, यहां का फेज जानने के लिए जेड जगह पे जेड टू करना पड़ेगा. तो केयरफुली वो चीज मार्क करो, फेज आर्क जेड वन आर्क टी इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के जेड वन, फेज आर्क जेड टू आर्क टी वो होगा ओमेगा टी माइनस के जेड टू. सो फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर्क जेड वन एंड जेड टू इज कितना होगा? ये दोनों के बीच कितना होगा? जेड वन छोटा है, जेड टू बड़ा है, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन है. तो जब जेड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन द फेज विल रिड्यूस, मतलब ये फेज का वैल्यू जितना है ये फेज का वैल्यू उससे कम है, क्योंकि जेड वन से जेड टू ज्यादा है, यहां पे माइनस साइन है ना, ओमेगा टी तो दोनों के सेम है. तो दिस विल बी ओमेगा टी माइनस के जेड वन माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड टू. दिस इज व्हाट वी कॉल आर पाथ डिफरेंस और सेपरेशन इन स्पेस. सेम टाइम पे दो पॉइंट अगर जेड टू माइनस जेड वन डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, सेम टाइम पे उनके बीच में फेज डिफरेंस के इंटू जेड टू माइनस जेड वन होगा. अगर आप पोजिशन को देख के नहीं जानना चाहते हो, टाइम को देख के आर्क जेड आर्क टी फेज इज ओमेगा टी माइनस के जेड आर्क जेड सेम पोजिशन पे लेकिन अलग टाइम पे आर्क टी प्लस डेल्टा टी फेज क्या होगा? ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस के जेड. सो फेज डिफरेंस ये दोनों के बीच में टाइम पे मतलब सेम जगह पे लेकिन दो अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पे फेज इतना है दूसरा टाइम पे. यहाँ पे पोजीशन बेसिस पे देखे थे टाइम को फिक्स रखे थे, यहाँ पे टाइम बेसिस पे देख रहे हैं पोजीशन को फिक्स रखे. तो फेज डिफरेंस क्या होगा टाइम के साथ? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एंड दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी. तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ भी बदल रहा है, फेज डिफरेंस पोजीशन के साथ भी बदल रहा है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीरियडिसिटी. किसका? साई का. फेज का पीरियडिसिटी नहीं है, लेकिन टी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा. इसका मतलब कोई भी जेड पे ये अगर वेव का डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे टी टाइम पे जो फेज मिलेगा टी प्लस डेल्टा टी पे उसी जगह पे ज्यादा फेज मिलेगा.
हर कोई का पेज टाइम के साथ बढ़ता रहता है, और दूसरा ना सेम टाइम पे जेड जगह पे जो पेज मिलेगा, जेड प्लस डेल्टा जॉर्ज जगह पे उससे कम पेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि जेड प्लस डेल्टा जेड यहाँ पे ऊपर हो गए तो माइनस की वजह से ये पेज का वैल्यू कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और यू हैव डाउट सम? क्लियर है? वेरी गुड। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग कम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेज वेलोसिटी और मोनोक्रोमैटिक वेव। ये जेड डायरेक्शन है। सोचो इस पॉइंट में जेड टाइम पे, जेड पोजीशन पे टी टाइम पे आठ ई आठ जेड लेट एच टी अल्फा अल्फा ऐसा एक एंगल है ना, तो वो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला के मुताबिक अगर इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड है तो फॉर्मूला के मुताबिक अल्फा का वैल्यू ओमेगा टी माइनस के जेड होगा, क्योंकि एक पोजीशन पे एक टाइम पे फेज यही होता है, पोजीशन दिया गया टाइम दिया गया तो फेज की साइन का निकल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर टी प्लस डेल्टा टी पे थोड़े देर के बाद सेम जेड पॉइंट में हम फेज देखेंगे, टी टाइम पे फेज अल्फा है लेकिन टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हम देखेंगे तो उस पॉइंट का जो फेज अल्फा डैश होगा वो अल्फा से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ने से एज बढ़ेगा, ज्यादा सेम जिस जगह पे देख लो सो फेज एट एनी पॉइंट इंक्रीजेस विद टाइम आते हुए ओमेगा। तो यहां का फेज जब बढ़ने लगेगा, आप जानते हो वेव की डायरेक्शन में चलो सेम टाइम पे, यहां का पेज से यहां का पेज कम होगा, एक इंस्टेंट में यहां का पेज जो होगा यहां का पेज उससे कम होगा, बट इस पॉइंट का पेज भी टाइम के साथ बढ़ रहा है और इस पॉइंट का पेज भी टाइम के साथ ओमेगा रेट में बढ़ रहा है। तो थोड़े देर पहले जो पेज अल्फा पेज यहां पे था वो थोड़े देर के बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे आगे आके होगा, जो टी टाइम पे वो यहां पे था अभी टी प्लस डेल्टा टी पे वो जेड प्लस नीचे डेल्टा जेड में मिलेगा। जब टी टाइम था जेड का पेज अल्फा था तो जेड प्लस डेल्टा जेड का पेज टी टाइम में उससे कम था, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ यहां का पेज भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, यहां का पेज भी बढ़ रहा है, पहले यहां का पेज इससे कम था लेकिन ये क्योंकि बढ़ रहा है तो थोड़े देर के बाद यहां का पेज वो अल्फा में पहुंच जाएगा और यहां का पेज अल्फा से बढ़ जाएगा। ये सर मैं yes, ये बात को समझ पाए या नहीं? yes, sir. ये बात को हम लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? अभी वाला बात है आपका बात ऑडिबल ठीक से नहीं हो रहा है बेटा, और कोई बोलेगा वो क्या बोलना चाहता है? सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस। टी इंस्टेंट पे जेड जगह पे फेज क्या है? ओमेगा टी माइनस के, मतलब इस जगह का टी टाइम का फेज अगर देखेंगे तो ओमेगा टी माइनस के जेड फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन मेरे को अगर बोलेगा कोई टी प्लस डेल्टा टाइम पे उसी जगह का फेज दे, मतलब सेम जगह पे थोड़े टाइम के बाद फेज देखेगा तो वो क्या होगा? टी की जगह पे टी प्लस डेल्टा टी होगा जो कि इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब इस पोजीशन का फेज टाइम के साथ ओमेगा रेट में बढ़ रहा है। अच्छा, जब यहां पे फेज ओमेगा टी माइनस के जेड था, जेड जगह का पेज टी टाइम, उसी टाइम पे यहां का पेज जेड प्लस डेल्टा जेड जगह पे पेज उससे कम था,
क्योंकि हम वेल की डायरेक्शन में फेस कौन मिलता है, और यहाँ के फेस जैसे टाइम के साथ बढ़ रहा है, यहाँ का फेस भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो जरूर ऐसा होगा जो फेस थर्ड जगह पे टी टाइम पे था वो थोड़े देर के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद यहां गिर रहा, मतलब टी प्लस डेल्टा टी पे जेड प्लस डेल्टा जेड जगह पे जो फेज इस इक्वेशन के मुताबिक वो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस के इनटू जेड प्लस डेल्टा जेड, क्योंकि वही फेज यहां पे आ गया है, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा आल्सो। कुड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसी चीज को हम लोग यहां पे नोट करेंगे, यही है वेव का सबसे फंडामेंटल पार्ट। फेज 8z 8t इक्वल्स टू अल्फा से इट सीम टू हैव प्रोग्रेस आगे चला गया होगा एंड फाउंड आपको प्रोग्रेस विथ टाइम, टाइम के साथ वो आगे बढ़ेगा फिर एंड फाउंड आर जेड प्लस डेल्टा जेड आर टी प्लस डेल्टा टी, सो ओमेगा टी माइनस के जेड इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस के इंटू जेड प्लस, जो फेज टी टाइम पे जेड जगह पे था वो फेज टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जेड प्लस डेल्टा जेड में मिला, इसीलिए वही फेज अल्फा है। So this gives me omega t minus kz, omega t minus omega t plus omega delta t minus kz minus k delta z. Then k delta z omega delta t. So delta z by delta t omega by k. ये डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड इज द डिस्टेंस प्रोग्रेस ऑन एनी वे बाय अल्फा पेज, अल्फा पेज इतना डिस्टेंस बढ़ गया कितना टाइम पे, इन टाइम डेल्टा टी, सो डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पेज। यस सर। अल्फा का वैल्यू कितना है, आर्बिट्ररी कुछ भी पाई हो पाई बाई टू हो, इसीलिए इसको फेज वेलोसिटी बोला जाता है। तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक वेव का एक फेज वेलोसिटी होता है एंड द सेम फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, सो दिस इज इक्वल टू एफ लैम्डा and this phase velocity is termed as the velocity of the wave. Is it clear? Yes sir. Okay. Now इससे related क्या question आपको मिल सकता है email का, अब देखो आपको wave का equation दे दिया गया psi is equal to psi z t, वो z की बदले में x लिख सकता है, वो y x एक्सिस में कर रहा है, a sin omega t minus k z plus phi या minus phi, इस तरह का इक्वेशन दिया, तो ये आपका हुआ एम्पलीट्यूड, ये t का कोएफिशिएंट जो होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब मिलेगा, के एंगुलर वेव नंबर जहां से लैम्डा आएगा, और फेज वेलोसिटी क्या है ओमेगा बाय के, तो फिर इतना इंफॉर्मेशन से तो सब कुछ मिल गया वेव के बारे में। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, वेव इक्वेशन इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू टू साइन
100 pi t minus 0.5 pi z sin, ये सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड वेवलेंथ एज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी मतलब एज वेलोसिटी जो है वेव वेलोसिटी वही है, ये सब निकल नहीं जाएगा, एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा पे कौन है 100 पाई और 2 पाई बाय 100 पाई 1 बाय 50 सेकेंड, लैम्डा क्या होगा लैम्डा इज 2 पाई बाय के, 2 पाई बाय 0.5 पाई, 5 पाई कैंसिल हो गया 4 सेंटीमीटर, एज वेलोसिटी क्या है ओमेगा बाय के, ओमेगा है 100 पाई ये है 0.5 पाई, 5 पाई कैंसिल हो गया तो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। इस तरह का सवाल आ सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि टीचर लोग तुम लोगों को प्रॉब्लम में डालने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को बदल देते हैं, कैसे देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव इक्वेशन, साई आट जेड आट टी, ए साई ओमेगा टी माइनस के जेड, जेड का कोएफिशिएंट एंगुलर नंबर, टी का कोएफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो आप चाहो तो साई को ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन 2 पाई पास बाहर ले आओ, एफ की जगह पे बनाएंगे ओमेगा की जगह पे एफटी माइनस के की जगह पे बनाएंगे लैम्डा, कभी कभार वो लोग क्या करते हैं चालाकी करके 2 पाई को बाहर रख देते हैं और टी का कोएफिशिएंट जो होगा वो एक होगा, आप शायद नहीं चाहते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखने के लिए, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और वी बाय लैम्डा, वी इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, एज वेलोसिटी, तो आप अगर उसको लिखोगे और साई जेड टी ए साई यहां पे लैम्डा यहां पे लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा, सो वी टी माइनस जेड, तो उस टाइम में 2 पाई बाय लैम्डा अगर बाहर है तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो वेव वेलोसिटी है, सो यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीस थिंग्स केयरफुली, इनका क्वेश्चन टाइप मतलब इक्वेशन टाइप इज चेंज, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर। किसी का कोई डाउट है इस रिगार्ड में, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो? सर हाँ सर, वो जो फाई है वो फेज वेलोसिटी है ना, फाई सर वो जो ऊपर क्या v है सर, वो जो ओमेगा t भाई क्या है i है, अगर t इक्वल टू 0 हो गया, z इज इक्वल टू 0 हो गया तो फेज का वैल्यू phi, ओके ओके सर, इसका मतलब phi z इक्वल टू 0 टाइम पे 0 जगह पे इनिशियल टाइम का फेज एंगल है, इसलिए उसको बोलते हैं z इक्वल ओरिजिन का इनिशियल फेज एंगल, इज इट क्लियर? यस सर, लेफ्ट साइड को मिटा रहा हूं, अगर आपको किसी ने बोलता है कि ये वेव जा रहा है और उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कौन सा चाहिए होगा, आपको इक्वेशन ऑफ दी वेव चाहिए होगा, लेकिन क्वेश्चन ऑफ दी वेव निकालने के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेव नंबर चाहिए और इतना सारा चीज तो कभी कभार अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर इक्वेशन ऑफ दी वेव को कैसे निकाला जाएगा, उसका भी एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव,
मतलब ये इच्छा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द वेव आ जाएगा। कैसे? हमारा इक्वेशन ऑफ द वेव क्या है? साई बेटी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस केजेड या कोस केजेड जो भी हो। तो एक काम करो, दो बार साई को टाइम के साथ डेरिवेटिव कर दो, दो बार। पहला बार में क्या होगा? एक ओमेगा आएगा, टी का कोएफिशिएंट साइन हो जाएगा कोस, फिर ब्रैकेट में रहेगा ओमेगा टी माइनस के। दूसरा बार करोगे तो अगर आप करना चाहते हो अलग अलग, तो ये हो गया ओमेगा है साइन कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। दूसरे बार करो डिस्क्वायर साइन बाय डिटी स्क्वायर कॉस माइनस साइन हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ए साइन ओमेगा टी माइनस के जेड तो साइन, ये इक्वेशन। और इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, वन बाई ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर साइ बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइ। सिमिलरली अगर आप डेल साइ बाई डेल जेड निकाले, डेल टी नहीं डेल साइ बाई डेल जेड, तो ये क्या होगा? ये इधर से एक माइनस के आएगा, साइन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो और एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर ए कॉस हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। और ये आपका साई है तो के स्क्वायर साई, यहां पे कहीं एक माइनस छोड़ दिया क्या? कॉस एक माइनस देगा, यहां से एक माइनस आएगा, दो माइनस आएगा, उसमें एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस रहेगा। सो दैट मींस 1 बाय k स्क्वायर डेल स्क्वायर साइ बाय डेल टी डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइ। 1 और 2 को देखो, दोनों का राइट साइड सेम है, टर्म 1 एंड 2 1 by omega square del square psi by del t square 1 by k square del square psi by del z square. So del square psi by del t square omega square by k square del square psi by del z square or omega by k v velocity of the wave. So v square del square psi by, तो आपको क्या मिला? डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय। ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको लिखने के लिए सिर्फ आपको वेलोसिटी चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन इसको सॉल्व कर दोगे तो इक्वेशन वेव आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सॉल्यूशन gives us equation of progressive wave. ये जो differential equation है, characteristics उसका क्या क्या है? It is linear. लीनियर होने से क्या होता है? इसका जितने सारे सॉल्यूशन का सभी का सम भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा। इट इज सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और क्या है? इट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सेकेंड ऑर्डर इन स्पेस मतलब जेड के साथ एंड सेकेंड ऑर्डर इन टाइम।
to write this differential equation, we have to know velocity of wave. सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द वेव को जानना होगा और कुछ जानने की जरूरत नहीं। फिर इसको सॉल्व कर दो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव आ जाएगा। बहुत बार चालन मत के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव को डिराइव करने के लिए बोलता है। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद वेव में और कुछ नहीं है, सिर्फ टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कुछ एग्जांपल्स। क्या वो हमको पढ़ाना पड़ेगा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स? इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, and in longitudinal wave the vibration takes place parallel to the direction of propagation. Examples may transverse wave ka string wave, electromagnetic wave, water wave, longitudinal mein sound wave, waves in solids. So this all completes the wave related discussions. Any question? सत्यव्रत? आज्ञा सर। ओनली 84 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ 92। व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू फॉर रेस्ट 8 स्टूडेंट्स? शुड आई टेक द अटेंडेंस अगेन एंड लोकेट आउट पॉइंट आउट देम सो दैट देयर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट? Or you will give the last warning and next class onwards I will follow the same procedure. Sir, last warning, sir. Let them give last one. Okay, to everybody, this is the last warning. इसके बाद और warning नहीं, attendance ले लेंगे number घटने से और उसी के हिसाब से mark भी काट देंगे बेटा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, इसको seriously लेना, joke मत लेना। Class attend करना जरूरी है। अगर तकलीफ हो रहा है समझने में या कोई प्रॉब्लम है, यू शेयर विथ मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है? यस सर। सो नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक बात बोल दूं आप लोगों को, क्वांटम मैकेनिक्स अभी समझो तो समझो, नहीं तो जिंदगी भर और समझ नहीं पाओगे। मेरे साथ समझोगे तो कुछ हद तक बहुत समझ जाओगे। दूसरा बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों को चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी वालों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि 15-20 साल के बाद जरूर क्वांटम कंप्यूटर्स मार्केट में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा, यस। और तीसरा एक बात है, जो अभी तक ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाए, ये वेव इक्वेशन का यूज और वेव्स का सही डेफिनेशन बार बार हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे। सो लुक इनटू दिस, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट एनीवेयर यू कैन शेयर विथ मी। सो शुड आई क्लोज द क्लास नाउ? यस सर। बाय टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.